हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा कम सामान में ये बनती है। तो कम टाइम, कम सामान और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बर्तन को रख दिया गर्म होने के लिए। बर्तन जैसे ही गर्म हो गए, हम उसमें तेल डाल दिए हैं। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म होते ही हम इसमें लहसुन डाल देंगे। तो 8 से 10 कलियाँ हमने लहसुन की छील कर कट कर लिया है और इसे डालकर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें बरी डाल देंगे। अगर आप बरी खाना पसंद करते हैं तो इसमें डालें, नहीं तो आप बिना बरी के भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार मिर्च डाल देंगे। तो आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से इसमें मिर्च डाल दें और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हींग डाल देंगे। हींग से अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में और हींग तो डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो हींग आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर डाल दें और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन के कलर चेंज होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर 8 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसे पतला पतला कट करके इसे डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 1 मिनट फ्राई कर लिया, अब ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गया है। अब इसका ढक्कन हटा के फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से हमें चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए, 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से सब्ज़ी अच्छे से तेल छोड़ देगी। तब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए बैंगन डाल देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ के 8 बैंगन भी लिए थे। तो आप 7 से 8 आलू और 7 से 8 बैंगन ले सकते हैं, दोनों को इक्वल क्वांटिटी में। तो इसे भी मिक्स करेंगे और फिर से इसे ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इस तरह से ढक देना है 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। इस तरह से इसे अच्छी तरह से हम खुला ही इसे 1 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे ताकि बैंगन में जो मॉइस्चर होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इससे हमारी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया है, इसे हमने फ्राई कर लिया है। आलू भी हमारी पक गई है। तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर को कट कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो आप जितना नमक खाते हो कम ज़्यादा, या फिर आप जितनी सब्ज़ी लिए हो जिस क्वांटिटी में उस हिसाब से आप इसमें नमक डालें। तो यहाँ पर नमक को हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम फिर से ढक्कन लगा कर रख देंगे 2 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे ढक सकते हैं। तो यहाँ पर आप बीच में चेक कर सकते हैं कि सब्ज़ी पकी है कि नहीं। ये देखिए, इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। 1 छोटा चम्मच के करीब हम इसमें मसाला डालेंगे। गरम मसाला पाउडर है ये। इससे सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे हम मिक्स कर देंगे गरम मसाले को ताकि सभी सब्ज़ियों में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका फ्लेवर आ जाए। इसके लिए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे ढकेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ही आपको ढकना है गरम मसाला पाउडर डालने के बाद। तो यहाँ पर हमने इसे 1.5 मिनट के लिए ढक दिया था लो फ्लेम पर। सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पका लिया। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं आलू को कि सब्ज़ी हमारी पकी है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से पका लिया। इसमें हम थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो आप इसमें हरा धनिया ज़रूर डालें। हरा धनिया डालने से सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ जाता है और देखने में भी सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो हरा धनिया इसमें थोड़ा सा ज़रूर डाल दें। यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब मैं इसे आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सब्ज़ी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
ये आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली, बहुत ही झटपट बनती है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें।